प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात देश को संबोधित किया और तीन बड़े ऐलान किए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अगले साल 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। कल ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसके अलावा 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो गई। इसी के साथ ही ये भी जानकारी दी कि 10 जनवरी से ही आपको बता दें कि को मॉर्बिडिटी वाले बुजुर्गों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश में करीब 61% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। तो देखिए, तीन बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल किए गए। तकरीबन 13 मिनट के अपने संबोधन में कई चीज़ों को लेकर उन्होंने बातचीत की। सबसे पहली तो ये चीज़ कि जो ओमिक्रॉन जो देश में लगातार खतरा बना हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी 3 जनवरी 2022 को। और उसके बाद अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो बुजुर्ग और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। जिस बूस्टर डोज की लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर बातचीत की जा रही थी कि वो लगनी शुरू होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। देखिए, ग्राफिक्स भी आपके टीवी स्क्रीन्स पर, ओमिक्रॉन से घबराना नहीं है बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया देश में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड की सुविधा भी है, 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर देश भर को दिए गए हैं। अगर आगे कोई स्थिति ऐसी बनती है, अगर केसेस आते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। नियमों का पालन और वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया वैक्सीन पर देश एक्शन मोड में है। 13 मिनट का संबोधन और तीन बड़ी बातें, और इस दौरान ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। उन्होंने ये भी कहा कि 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों जो डोज हैं वो लगाई जा चुकी है। 90% व्यस्क आबादी को लगाई जा चुकी है कम से कम एक डोज। वैक्सीन निर्माण और इसी के साथ ही सप्लाई चेन पर लगातार जोर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन अब लगाई जाएगी। आने वाली 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, बच्चों को कोरोना वैक्सीन देनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी 10 जनवरी 2022 से। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी बूस्टर डोज दी जा सकेगी। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई अपने संबोधन में, कल रात में उनकी तरफ से संबोधित किया गया। आप देखिए, 40 से ज्यादा देशों में वैक्सीनेशन हो रहा है, 12 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं, देखिए ब्रिटेन इस लिस्ट में आता है, इसके बाद कैनेडा, इसके साथ डेनमार्क, इसके बाद जापान। ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी जा रही है। जो इन 40 देशों में, आपको बता दें कि जो 40 से ज्यादा देश है वहां पर बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, ये तमाम देश, स्पेन, इसी के साथ ही इटली, चेक रिपब्लिक, इजराइल भी इन्हीं देशों में आता है, ओमान। तो देखिए, भारत में भी इसी तरह से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा 3 जनवरी 2022 से। अब देखिए, भारत में टीकाकरण का टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्करों का वैक्सीनेशन हुआ था, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं। उसके बाद देखिए, 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगना शुरू हो गया था। 1 मार्च से बुजुर्गों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों के लिए माना जा रहा था, इसलिए उसके बाद बुजुर्गों का शुरुआत हुई। उसके बाद 1 अप्रैल से, तो देखिए 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। उसके बाद 1 मई की अगर बात करें तो 1 मई से सभी बालिकों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर गाजियाबाद में रणतंत्र टीवी के संवाददाता अरुण चंद्रा ने अभिभावकों से की बात, क्या कहना है उनका सुनिए। समय के इंतजार के बाद अभिभावकों के चेहरे पर आज एक खुशी देखने को मिल रही है। कारण बताना चाहेंगे कि अब से पहले 18 वर्ष से ऊपर के युवकों को या युवतियों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि अब 15 से 18 साल के बच्चों के भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हमारे साथ कुछ अभिभावक जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मेरी दो पुत्रियाँ हैं, दो बेटियाँ हैं। मनोज जी, एक जो डर था, एक भय रहता था कि बच्चे स्कूल जाएं कैसे जाएं, क्योंकि हम और आपके तो वैक्सीनेशन लग चुकी है, पूरी डोज हो चुकी है, बच्चों के नहीं लगी थी, तो अब से पहले क्या माहौल था और आगे अब कितना आपको संतुष्ट रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत बार ऐसा होता था, हम लोगों को कहीं किसी प्रोग्राम में जाना होता था, पार्टी में जाना होता था या डेली ट्रेवल करना होता था, तो हम लोगों के मन में शंका रहती थी कि अभी हमारी जो छोटी बेटी है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, कहीं इन्फेक्शन तो कैच नहीं कर लेगी, अगर वो इन्फेक्शन कैच कर लेगी तो पूरा परिवार अंडर स्कैनर हो जाएगा, परिवार को भी समस्या हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रिलीफ तो है ही हमारे लिए। काफ़ी अच्छी पहल है, दो इंडिया में काफ़ी लेट है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी ये एक रिलीफ है हमारे लिए कि बच्चों को एक वैक्सीनेशन अब मिल जाएगा जो हमें हम लोगों को पहले लग चुका है, और अब बच्चों की आवाजाही थोड़ी इजी हो जाएगी, और अब जैसे कई बार स्कूल्स बीच में खुल जाते हैं और बच्चों को भेजना पड़ता है, तो वो हमें बहुत डर सताता था कि बच्चे कहीं वहाँ से कोई इन्फेक्शन ना ले आए। या अब से पहले बच्चों के लेकर मन में भय था कि बच्चे हैं और वैक्सीन लगी नहीं है उनके, अब वैक्सीनेशन 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, यानी जो एक लंबा इंतजार था वो बस कुछ पल की देरी कह सकते हैं कि 3 तारीख में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो उसको लेके आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि ये पहल उनकी बहुत ही ज़रूरी थी। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। पूजा जी, अब से पहले एक भय था, डर था, बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं लगी थी और अब वैक्सीनेशन 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो कैसा रिलीफ करेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी 10-12 साल की बेटी है उसको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, अगर वो और भी छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करवाएँ तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो पहल आई है उसे देख के लगता है कि जो वायरस फैल रहा है वो उस पर काफ़ी नियंत्रण में आ सके। तो ये हमारे साथ वो अभिभावक थे जो अब इस फैसले से और इस वैक्सीनेशन से बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं, यानी कि कुछ अभिभावक भी हैं, कुछ टीचर भी हैं, उनके साथ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास, उनको लेकर भी उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था या जो चिंता का विषय था अब वो दूर हो रहा है, और सभी मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा, जनतंत्र टीवी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों के वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू करने और इसी के साथ ही बुजुर्गों को बूस्टर शॉट पर लखनऊ के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, इन्वायरमेंट में घूमने भी जाते हैं, तो उससे सेफ्टी रहेगा, इन्वायरमेंट का भी अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। और क्योंकि पिछले कोरोना में जो 2 बार कोरोना आया है उसमें एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लोग हमारे आसपास के लोग एक्सपायर भी हुए हैं कोरोना की वजह से, और जो उनको वैक्सीन लगी नहीं थी, और अब तो काफ़ी वैक्सीनें लग चुकी हैं और इससे भी बहुत अच्छी बात होगी, जो थर्ड लहर आने वाली है उसके पहले अगर वैक्सीन लग जाती है तो बच्चों के लिए सेफ्टी का होगा और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, मोदी सरकार ने ओरिजिनल बहुत अच्छा निकाला बच्चों के लिए, उसे ये तो मरीज आदमी को बचना चाहिए ये चीज़ से, बहुत अच्छा फैसला है उनका। क्योंकि देखिए कोविड का मामला भी बढ़ रहा है, कोरोना भी बढ़ रहा है और ये क्या तीसरी लहर वहर आ रही था, उससे भी आदमी बच रहा है ये वैक्सीन सुई से, क्योंकि अच्छा फैसला है, क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, वो भी उनके लिए भी फायदेमंद है भाई, बच्चों के लिए और क्या। यह सुनकर, यह प्रधानमंत्री जी का फैसला सुनकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। वहीं आगामी 3 जनवरी से पूरे देश में 15 से लेकर 18 साल के युवाओं के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। कोरोना के बढ़ते
प्रभाव में अभिभावक काफी परेशान थे और अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में भेजने में वो डरे हुए थे और सहमे नजर आ रहे थे। लेकिन अब पूरे देश में 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों की एक बड़ी चिंता दूर होने जा रही है। और इसी को लेकर देहरादून में हमारे संवाददाता अजय पांडे ने अभिभावकों से बातचीत की, वहां लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वायरस से बचाव को लेकर अब राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण में जोड़ा जाएगा और हमारे साथ देहरादून में तमाम अभिभावक मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण में जोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए, 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं। वहीं देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में इसका ऐलान किया है, जिसके बाद हरिद्वार में भी लोगों ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है और लोगों ने उन्हें धन्यवाद कहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजय पुंडीन ने अभिभावकों से बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और लगातार ही ऐसा ढांचा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोगों को राहत मिले। हालांकि देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बच्चों के पेरेंट्स यानी अभिभावक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल सिंह है। बच्चों को वैक्सीन लगने का ऐलान हो गया है, कितना सही मानते हैं? मैं उसे सारा ही सही मानता हूँ कि वैक्सीन तो लगनी ही चाहिए, क्योंकि बिना वैक्सीन के हमारी जो महामारी बीमारी है वो ख़त्म नहीं हो सकती, हम इसे जीत नहीं सकते। हम इसे पराजित करना है अगर हमें, तो हमें ये काम करना ही होगा, वैक्सीन लगवानी होगी, हर व्यक्ति को लगवानी चाहिए, वो बच्चा हो या बड़ा हो। फिर ख़ास तौर से जो आने वाली जनरेशन है उसे तो होना ही चाहिए, उसको वैक्सीन लगनी ही चाहिए, हमारा ये सुझाव है और ये बहुत अच्छा काम किया है मोदी ने। और इससे कम एज के भी आते हैं, क्या उनको भी लगनी चाहिए? कम एज का अभी जो प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मान लीजिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 4 साल का है या 3 साल का है या 2 साल का है या 5 साल का है, तो उन्हीं के लगनी चाहिए, ताकि घर वो बाल का प्रोसीजर है जो छोटे बच्चों को, जो वो कम से कम मान लिया 1 साल का तो हो बच्चा, 1 साल का 2 साल का, वो जब तक स्कूल ना आए जब तक तो उसको वैक्सीन लगनी चाहिए, स्कूल में जब उसका दाखिला हो जाए तो वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये थे लोग हमारे साथ, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचपल सिंह है। बच्चों को वैक्सीन लगने का ऐलान हुआ, कितना सही मानते हैं? बच्चा बहुत सही मानता हूँ इसको भी। तो क्या और क्या कहेंगे, क्या राय देंगे अपनी? बस राय यही है कि इससे बहुत कहना, जैसे मतलब बड़ों को राहत मिली तो इनको भी कहना मिलेगी बच्चों को। तो ग्रामीण से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राहत मिलने की बात कह रहे हैं, हालांकि पीएम मोदी का धन्यवाद भी कह रहे हैं। इसमें साफ कहा जा सकता है कि जो आने वाला खतरा है वो वैक्सीन लगने से कम हो जाएगा। अपने सहयोगी प्रवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। देश भर में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन से दहशत मची हुई है, जिसको लेकर सरकार की लगातार प्रयास कर रही है और कोविड के इस नए वेरिएंट से देश में पहले जैसी स्थिति ना बने, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के आदेश दे दिए हैं। इसी को देखते हुए बच्चों के अभिभावकों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनसे बात की हमारे संवाददाता अनिल सैनी ने, सुनिए। जहां पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट ने भी सरकार की नींदें उड़ा दी थी, अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने एक गंभीर फैसला लिया है। बच्चों को देखते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया है, जिसको देखते हुए हमारे साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं, बच्चों के अभिभावक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार। जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया है, कैसा मानते हैं? बहुत बढ़िया करा है जी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि छोटे बच्चों को भी लगा, है ना, वही जो 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के बच्चे हों, सभी को वैक्सीन लगनी चाहिए, सभी की ज़िंदगी जो हो प्यारी हो, है ना ये बात। तो कोरोना की जैसी पहली स्थिति ना बने, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है, यह आपको अच्छा लग रहा है? कोरोना के जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन को देखते हुए, ओमिक्रॉन के आपको कैसे लगता है, ओमिक्रॉन कोरोना जैसा ही है?
देखो जी ओमिक्रॉन यहाँ क्षेत्र में अभी ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, जैसे ही कोई प्रकरण होगा सुनने में आओगे नजर आओगा तो क्या इसका कितना खतरा पता लग ही जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, कुछ अभिभावक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? नरेंद्र भैया। तो क्या लगता है आपको ओमिक्रॉन को देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया है 15 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगवाने का, कैसा मानते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, होना चाहिए भैया, अच्छी बात है, सबको जान प्यारी है, सब तो कुछ नहीं है भाई, जिंदगी में प्यारी हो सबको प्यारी है, और होना भी चाहिए कि भाई बच्चों को भी लगना चाहिए, जब बड़ों को लगा तो बच्चों को भी लगना चाहिए, जिंदगी सबको अच्छी है। बिल्कुल, जैसा कि अभिभावकों का कहना है कि ये सरकार का जो फैसला है बहुत ही सराहनीय कार्य है। वहीं 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के ऐलान के बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी आदेश दिया उसके बाद हमारे संवाददाता ने लखनऊ में ओम पांडे ने अभिभावकों से बातचीत की है, इस पर अभिभावकों का क्या कुछ रिएक्शन है सुनिए। प्रधानमंत्री ने कल देश के नाम संबोधन में कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के महत्वपूर्ण बातें अपनी रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं उनको भी वैक्सीन दी जाएगी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है बच्चों को लेकर के प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, ऐसे में हमारे साथ जो फैमिली है उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक अपना संबोधन दिया है जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन के बारे में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कहा है उसके संबंध में ये कहना है कि ये वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित है, और सारे पेरेंट्स इस बात का संदेह रहता था कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से स्कूल भेजें जो सुरक्षित रहें, लेकिन अब सुरक्षित होने का एक गारंटी मिल गई है कि हम बच्चों को अपने वैक्सीनेशन करके स्कूल जो भेजेंगे यानी हमारे बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे और उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी की आशंका नहीं हो सकती है। घर की गृहिणी और सबसे बड़ी बात बच्चों की माँ होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अंदर से भय व्याप्त रहता था जब माँ बच्चे को जो है वो स्कूल भेजती थी। क्या नाम है आपका? रीति। कल प्रधानमंत्री ने साफ तौर से ये कहा है कि 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं उन्हें जो है वैक्सीन लगाई जाएगी, तो आप इस तरह की चीजों को लेकर कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हम ये सुन करके ये बहुत खुश हैं, अब हम अपने बच्चों को बेफिक्री से निसंदेह स्कूल भेज सकेंगे, बच्चे पूरी तरह से प्रोटेक्ट होंगे। एक बच्चा भी है मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, कल प्रधानमंत्री ने साफ तौर से अब आप लोगों के लिए भी कहा है कि वैक्सीन जो है वो डोज वो आपको लगाई जाएगी, तो इस प्रधानमंत्री के इस संबोधन में और इस तरह की चीजों को लेकर के आपके मन में किस तरह का क्या क्या ख्याल आता है? नहीं, ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो मतलब बहुत क्राउडेड होता था, और अब वैक्सीन की वजह से कि हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और बाकी सेफ्टी के तो मेजर रखने ही पड़ेंगे जैसे पहले मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर, ये सब। कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को परिवार को जो एक टेंशन होती है वो टेंशन कहीं ना कहीं अब जो प्रधानमंत्री का जो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है उसके बाद कहीं ना कहीं वो टेंशन है वो कहीं ना कहीं परिवार को अब कम होगी। कैमरा राहुल चौहान के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। और इसी के साथ ही हमारे इस खास प्रोग्राम ब्रह्मास्त्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर, अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।